फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग स्टिच किया है। इसमें देखिए एक जिप से साइड पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे। इस पे देखिए अपना कुछ भी सेट कर देंगे, जिप से लॉक कर दीजिए और इस साइड भी जिप ओपन करेंगे और इसमें भी उतनी ही स्पेस है। देखिए इसको हम जिप से लॉक करेंगे और इस साइड से हम देखिए जिप को ओपन करेंगे। पूरा बैग देखिए खुल के कुछ ऐसा है। तो देखिए इसमें देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है। तो देखिए काफी स्पेस है इसमें अंदर की साइड में और एक इनर पॉकेट इस साइड है, इसको हम ओपन करेंगे। और इसमें भी देखिए अपना मनी वगैरह कुछ भी आप इसमें सेट करते हुए फिर से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए और इस साइड भी अपना देखिए सामान अच्छे से सेट करते हुए इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। ये पॉकेट देखिए एक साइड से हमारी जिप से इस साइड आ जाएगी और ऐसे इस साइड भी एक हमारी जिप से बड़ी पॉकेट है, इसको हम देखिए ओपन करेंगे। छोटा मोटा सामान सेट करके भी इसमें और इस बैग को आप देखिए इस हैंडल से आप इसको शोल्डर से कैरी कर सकती हैं और इसको एडजस्ट करते भी आप क्रॉस करके भी कैरी कर सकती हैं। और अगर आपको इसको फोल्ड करना हो तो देखिए जिप को ओपन करिए, हैंडल को देखिए अंदर की साइड में कर लेंगे और इस साइड से हम देखिए इसको यहाँ से देखिए लॉक कर देंगे। पूरा बैग देखिए इसमें अंदर की साइड में सेट हो गया है और इसको आप देखिए ऐसे कहीं भी सेट करते हुए रख सकते हैं। जब आपको यूज करना हो तो जिप को ओपन करके भी इसको आप यूज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही परफेक्ट साइज है। इसको स्टिच करके आप 1 वीक के लिए कहीं जा रही हो तो इसको आप रेडी करके इसको यूज कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। फोल्डेबल बैग बनाने के लिए हमने 14x32 का 1 quilted पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने सारे पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 14x32 का 1 quilted पीस लेना है और ये हमने 11x14 का 1 quilted पीस लिया है और 10x11 के ये हमें 2 quilted पीसेस लेने हैं और 2 हमें ये प्लेन पीसेस लेने हैं 10x11 के। 2x42 के ये हमें 2 quilted पीसेस लेने हैं और ये हमें 7 inch की 1 belt लेनी है और 30 inch के ये हमें 2 handles लेने हैं, 60 inch की 1 हमें ये belt लेनी है और ये हमें 29.5 की 1 zip लेनी है और इसमें हमें double harness लेना है और ये हमें 54 inch की zip लेनी है और इसमें हमें single runner लेना है। 10 inch की ये हमें 2 zip लेनी है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है। 2 हमें देखिए डी रिंग्स लेने हैं और 1 हमें ये एडजस्टर लेना है। सबसे पहले हम 10x11 के ये क्विल्टेड पीसेस लेंगे, प्लेन पीसेस लेंगे और 10 inch की ये हम जिप लेंगे। इसमें से पहले हम एक क्विल्टेड पीस लेंगे और इसमें हम देखिए ये 11 का साइड है और ये 10 का साइड है तो हम 11 की साइड में एक साइड से यहाँ पर 3 inch पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। 3 inch पे डाउन करते हुए इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे क्विल्टेड पीस को कट कर लेंगे और अब ये हम जिप लेंगे। इसमें से एक जिप को हम इस क्विल्टेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, दोनों राइट साइड एक साइड में ऐसे सेट करते हुए इस साइड से अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस क्विल्टेड पीस को हम अटैच कर देंगे और ऐसे इस क्विल्टेड पीस में भी मार्क करके जिप को हम अटैच कर देंगे। दोनों क्विल्टेड पीसेस पे हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें रनर्स डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है
और अब ये हम 7 इंच की बेल्ट लेंगे और डी रिंग्स लेंगे। बेल्ट को पहले हम ऐसे फोल्ड करके इसको सेंटर से कट कर लेंगे और ये जो कुल्टेड पीस है इस साइड से हम यहाँ पर पहले इस पर सेंटर का मार्क करेंगे। तो 5 इंच पे इस साइड से डाउन करते हुए इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे और ये हम बेल्ट लेंगे और इसमें हम डी रिंग को देखिए ऐसे सेट कर लेंगे। बेल्ट को हम देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मार्क वाले पॉइंट पे और ये जो हमने दाब सिलाई दी है यहाँ पर ऐसे रखते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस बेल्ट को डी रिंग के साथ में इसमें और ऐसी दूसरी बेल्ट को इसमें हम मार्क करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट से हमने देखिए डी रिंग के साथ में बेल्ट को अटैच कर दिया है। देखिए ये जो हमने दाब सिलाई दी थी इस साइड से यहाँ पर हमें सेट करते हुए स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके अटैच करना है बेल्ट को डी रिंग के साथ में। और अब हम देखिए इस साइड से इसका मेजर करेंगे। जब हम देखिए किसी पार्ट में जिप को अटैच करते हैं तो ये जो क्विल्टेड पीस का पार्ट है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम इस साइड से 11 इंच पर डाउन करते हुए मार्क करेंगे। 11 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ये हम प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे। इसके ऊपर हम इस क्विल्टेड पीस को सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे। ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। ऐसे ही इस प्लेन पीस में इसको सेट करते हुए पहले मार्क करेंगे क्विल्टेड पीस में, इसमें भी हम स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने राउंड में स्टिच करके देखिए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको हमने कट कर लिया है। और अब हम 10 की साइड में देखिए इसको फोल्ड करेंगे और इसमें हम दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने फोल्ड करके सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम 2x42 के ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे। इसमें से हम एक क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों पार्ट्स को देखिए बराबर में सेट करते हुए ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग के साथ में हम दोनों पार्ट्स को साइड से अटैच कर देंगे और ऐसे ही इस क्विल्टेड पीस को भी फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए फोल्ड करते हुए पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है और अब हम इस क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे ओपन करेंगे और ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को हम ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे और इस साइड से हम लॉक कर देंगे और ऐसे इसमें भी हम स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब हम जो स्टिच लाइन है इस साइड से हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो इस साइड से ये जो स्टिच लाइन है ये साइड का सेंटर का मार्क है और इस साइड से हम इसमें दोनों साइडों से कट लगाकर सेंटर का मार्क करेंगे। दोनों पार्ट्स में हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और अब ये हम क्विल्टेड पीसेस लेंगे जिसको अभी हमने रेडी किया था। तो इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और ये जो हमने सेंटर का कट लगाया है इसको हम इस कट से देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और ऐसे इस साइड ये जो स्टिच लाइन है इस स्टिच लाइन को इस कट से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और राउंड में स्टिच करके दोनों पार्ट्स को अटैच कर देंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे और ऐसे इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। दोनों पार्ट्स में हमने देखिए क्विल्टेड पीस को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब देखिए हम 14x32 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये हम हैंडल लेंगे 13 इंच का और इस क्विल्टेड पीस में देखिए एक साइड से देखिए ये 32 का साइड है और ये 14 का साइड है। तो 32 की साइड में एक साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम सिरे मार्क करेंगे। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और इस साइड से हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। 7 इंच पे देखिए सेंटर का मार्क कर लेंगे और इस कॉर्नर से हम यहाँ पर 11 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड देखिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी 11 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब देखिए जो सेंटर का मार्क किया है सेंटर वाले पॉइंट से हम 3.5 इंच देखिए इस साइड मार्क करेंगे और इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। पहले हम इसमें हैंडल अटैच करेंगे।
तो ये हम हैंडल लेंगे, हैंडल को हम मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए 2 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे दूसरी साइड से अटैच कर देंगे हैंडल को। हैंडल को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 54 इंच की जिप लेंगे। पहले हम जिप को ओपन करके इसमें रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और इस जिप को हम यहाँ पर ये जो सेंटर का मार्क किया है और 2 इंच पे जो डाउन किया था सेंटर वाले पॉइंट पे और 2 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके जिप को हम इसमें अटैच कर देंगे। देखिए जिस साइड से हमने रनर डाला है उस साइड वाले पार्ट को हमें अटैच करना है क्रोटेड पीस में। जिप को हमने देखिए क्रोटेड पीस में अटैच कर दिया है और अब हम इस साइड से जिप को ओपन कर लेंगे। और ये जो हमने इस साइड से 11 इंच पे मार्क किया था मार्क वाले पॉइंट पे हम इस जिप को देखिए ऐसे रखेंगे और पिन अप करेंगे और ऐसे ही साइड वाले पार्ट को देखिए मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे रखना है और पिन अप करना है। जिप को हम देखिए इस साइड से और ऐसे इस साइड से दोनों साइडों से हम इसमें अटैच कर देंगे क्रोटेड पीस में। जिप को हमने देखिए दोनों साइडों से अटैच कर दिया क्रोटेड पीस में। देखिए इस साइड से जो मार्क किया है मार्क वाले पॉइंट पे ऐसे 1/2 इंच का थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए हमें यहाँ से यहाँ तक अटैच करना है दोनों साइडों से। देखिए ऐसे हमें अटैच करना है क्योंकि बाद में हम जिप को लॉक करेंगे तो इस साइड से हम इसको भी स्टिच करके यहाँ से अटैच कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम ये जो मार्क किया है इस साइड की जो स्टिच लाइन है इसे हमें पाइपिंग से कवर करना है। तो ये हम मेन फैब्रिक की पाइपिंग लेंगे। ये जो मार्क किया 2 इंच पे मार्क वाले पॉइंट पे देखिए ऐसे रखना है और इस साइड से स्टिच करके इसमें अटैच करना है। पाइपिंग को हमने देखिए साइड से अटैच कर दिया क्वाल्टेड पीस में और अब हम पाइपिंग को देखिए ऐसे टर्न करेंगे और प्रेस करेंगे। पाइपिंग को हम इस साइड देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्टिच करके इस साइड से अटैच कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम दूसरी साइड में आएंगे और इस साइड पहले हम हैंडल अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे 7 इंच पे और सेंटर वाले पॉइंट से हम यहाँ पर 3.5 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे और इस साइड भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है इस साइड से हम यहाँ पर 2 इंच पे डाउन कर लेंगे, ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और ये हम दूसरा हैंडल लेंगे और इस हैंडल को हम इस साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए इसमें भी हम स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसी दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करते हुए इसमें हम अटैच कर देंगे हैंडल को। इस साइड भी हमने देखिए हैंडल को अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये हम 9x14 के प्लेन पीसेस लेंगे। देखिए इसमें हमने एक मेन फैब्रिक का प्लेन पीस लिया है और एक हमने लाइनिंग फैब्रिक का प्लेन पीस लिया है और 9 इंच की जिप लेंगे। जिप को हम 9 की साइड में देखिए ऐसे रखेंगे प्लेन पीस में। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर ऐसे रखते हुए इस साइड से हम अटैच कर देंगे। प्लेन पीस में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम इसको देखिए बैक साइड में करेंगे और इस साइड हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड में देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम जिप की दूसरी साइड में प्लेन पीस को अटैच करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको हम इस साइड से जिप के ऊपर रखते हुए इस साइड हम अटैच कर देंगे। इस साइड से भी हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम जिप को देखिए ओपन कर लेंगे। इसे हम देखिए ओपन कर लेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे और इस साइड भी हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम दोनों जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे बराबर में सेट करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और रनर को हम देखिए ऐसे बाहर की साइड में करेंगे और जिप को लॉक कर देंगे। जिप को हम फिर से ओपन करेंगे और इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और जिप को हम देखिए 1 इंच पे डाउन करते हुए प्लेन पीस को ऐसे देखिए प्रेस कर देंगे दोनों साइडों से और ये हम पाइपिंग लेंगे।
पाइपिंग को हम देखिए इस साइड से ऐसे थोड़ा सा टर्न करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच करेंगे और इस साइड भी पाइपिंग को टर्न करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसे इस साइड भी दोनों साइडों से पाइपिंग को टर्न करते हुए इसमें हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए साइड से अटैच कर दिया है और अब हम देखिए पाइपिंग को ओपन कर लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे देखिए ऐसे रखेंगे और इस साइड से हम अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच करके अटैच कर दिया है और ये हमारी एक पॉकेट बन के रेडी हो गई है और अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम चौक से सेंटर का मार्क कर लेंगे और ये हम कुल्डर पीस लेंगे। इस साइड देखिए अभी हमने ये हैंडल अटैच किया है, उसकी बैक साइड में आएंगे और इस साइड हम यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए देखिए ऐसे हम मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हमने मार्क कर लिया है और इस साइड से हम इसमें 7 इंच पे सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और ये जो पॉकेट है पॉकेट को हम सेंटर के मार्क से मिलाते हुए और 3 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे सेट करेंगे और इस साइड से हम ऐसे स्टिच करके अटैच कर देंगे। पॉकेट को हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब देखिए हम 11x14 का ये कुल्टेड पीस लेंगे। इसमें ये 11 का साइड है और ये 14 का साइड है तो इसमें हम एक साइड से यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे डाउन करते हुए देखिए इस साइड से हम ऐसे सीधे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड से और ऐसे इस साइड 3 साइड से हमें 1.5 इंच पे डाउन करते हुए इसमें हमें मार्क करना है। 1.5 इंच पे डाउन करते हुए हमने देखिए 3 साइड से मार्क कर लिया है और अब ये दोनों जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हल्का सा हम शेप दे देंगे। ऐसे हमें देखिए शेप में मार्क करना है और ऐसे इस कॉर्नर पे भी हम शेप में मार्क कर लेंगे। अब देखिए पहले हम मार्क वाली लाइन पे ऐसे हम स्टिच करेंगे, इसके बाद इसको हम कट करेंगे। मार्क वाली लाइन पे हमने देखिए शेप में स्टिच कर लिया है और अब देखिए जिस साइड हमने शेप दिया है यहाँ पर हम इसमें सेंटर का मार्क करेंगे 7 इंच पे। इस साइड से हम चौक से ऐसे मार्क कर लेंगे कैसे में मार्क करना है और अब हम इसको कट कर लेंगे कुंटेड पीस को। कुंटेड पीस को हमने देखिए शेप में कट कर लिया है और अब देखिए ये हम जिप लेंगे और इस जिप को हम कुंटेड पीस में देखिए इस साइड से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करके जिप को कुंटेड पीस में अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और अब हम इस साइड आएंगे और ये जो स्टिच लाइन है इसको हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे टर्न करते हुए ऐसे हम दाब से लेते हुए इसमें हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच लाइन को देखिए बैक साइड में करते हुए इसमें हमने दाब से लेते हुए स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें से एक जिप को ऐसे ओपन कर लेंगे और ये कुल्टेड पीस लेंगे और जिप को हम देखिए फोल्ड करके इसमें सेंटर का मार्क करेंगे और जिप को हम ये जो हमने चौक से सेंटर का मार्क किया था इसमें देखिए सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे सेट करेंगे। देखिए जिप का राइट साइड अंदर की साइड में होगा और सेंटर वाले पॉइंट से सेट करते हुए हम देखिए ऐसे शेप में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही इस साइड से हम इसमें अटैच कर देंगे दोनों साइडों से। जिप को हमने देखिए कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और इसमें भी हम देखिए स्टिच लाइन को देखिए इस साइड से ऐसे बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है और अब देखिए इसको हम ऐसे फ्रंट साइड में करेंगे और इस पार्ट को ये जो हमने सेंटर का मार्क किया था सेंटर वाले मार्क वाले पॉइंट पे देखिए दोनों जिप वाले पार्ट को ऐसे बराबर में सेट करना है और पिन अप करना है।
कि दोनों जिप को हम ऐसे बराबर में सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। जिप को हमने देखिए बराबर में सेट करते हुए एक साइड से देखिए पिनअप कर लिया है। और अब हम दोनों जिप वाले पार्ट को देखिए ऐसे रखेंगे और ये रनर लेंगे और जिप में हम रनर डालेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और पिन को हम ओपन कर लेंगे। ऐसे हम जिप को लॉक करेंगे और इस पिन को भी, ये जिप को हम इस साइड से पूरा ऐसे लॉक कर देंगे। और अब हम जिप को ओपन करते हुए इसमें हम एक रनर इस साइड से और एक रनर इस साइड से, दोनों साइडों से रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब हम इस साइड से यहाँ पर कोटेड पीस में देखिए इस साइड से हमें 10 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। ये देखिए हमने मार्क कर लिया है और ऐसे इस साइड भी 10 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस जिप वाले पार्ट को हम ऐसे देखिए ऐसे करना है हमें जिप को, और इस साइड भी 10 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। 10 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। स्टिच करके हमने देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है और अब हम ये कुल्टेड पीस लेंगे। और इस कुल्टेड पीस में हमने जिस साइड से देखिए जिप को इस साइड से अटैच किया है, ये वाली जिप को, उसमें हमें इसको अटैच करना है। हैंडल को देखिए हम डाउन करेंगे और इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे हमें रखना है। इस साइड वाले पार्ट को हमें इस कुल्टेड पीस में देखिए ऐसे सेट करते हुए इसमें अटैच करना है। तो दोनों पार्ट्स को सेट करेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए जिप वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखते हुए दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हमने देखिए पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे करेंगे। देखिए हैंडल वाला पार्ट अंदर की साइड में करना है और स्टिच लाइन पे देखिए ऐसे प्रेस करते हुए जो पाइपिंग है, पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए ऐसे टर्न करेंगे और स्टिच करके हम लॉक कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है। देखिए ये पार्ट इसमें ऐसे सेट हो जाएगा। और अब हम देखिए इस साइड भी इसको अटैच करेंगे। तो हैंडल को देखिए ऐसे डाउन करेंगे और दोनों साइडों से पहले हैंडल में हम पिनअप कर लेंगे, जैसे ये साथ में स्टिच ना हो। हैंडल को हमने देखिए पिन से सेट कर लिया है और इस कुल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे डाउन करेंगे। ऐसे डाउन करेंगे और दोनों पार्ट को सेट करते हुए इस साइड भी हम पाइपिंग के साथ में अटैच करेंगे। तो ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को ऐसे रखते हुए इस साइड से हम अटैच कर देंगे दोनों पार्ट्स को। इस साइड भी हमने देखिए दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। और अब हम इस जिप को देखिए ओपन करेंगे और कुटेड पीस को हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे। और स्टिच लाइन पे प्रेस करेंगे और पाइपिंग को देखिए डबल फोल्ड करते हुए ऐसे सेट करेंगे और स्टिच करके हम लॉक करेंगे। देखिए ऐसे हम कुटेड पीस को ओपन करते हुए ऐसे हम देखिए स्टिच करके लॉक करेंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए ओपन करते हुए इस साइड से पाइपिंग को लॉक कर दिया है। और अब हम इस जिप को लॉक कर देंगे और जो हमने पिनअप किया था हैंडल में, हैंडल वाली पिन को हम ओपन कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जिप है, जिप को हमें अटैच करना है। ये जो हमने जिप अटैच की थी इसमें, इस जिप को हम देखिए जो मार्क किया था 11 इंच पे, मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से देखिए ऐसे सेट करना है और यहाँ से हमें स्टिच नहीं करना है। मार्क वाली लाइन से देखिए हाफ इंच पे ऐसे, ये 1 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे मार्क करेंगे। और जहाँ पर हमने 1 इंच पे डाउन किया है मार्क वाले पॉइंट पे देखिए ऐसे रखते हुए इस साइड से हम देखिए 1 इंच पे जो मार्क है यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे राउंड में स्टिच करते हुए ऐसे हम यहाँ तक स्टिच करके अटैच करेंगे जिप को। और ऐसे दूसरी साइड से भी हम जिप को अटैच करेंगे। जिप को हमने देखिए साइड से राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब देखिए ये जो हमने जिप का ओपन वाला पार्ट है, इस जिस साइड से हमने देखिए स्टिच करना स्टार्ट किया था, यहाँ पर इस जिप को हम देखिए ऐसे करते हुए थोड़ा सा टर्न कर लेंगे बाहर की साइड में और जिप को इस साइड से लॉक कर देंगे।
जिप को हमने देखिए साइड से टर्न करते हुए लॉक कर दिया है। और अब देखिए ये जो जिप ओपन है इसको हम इस जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने मार्क किया था, ये जो मार्क किया था 11 इंच पे, इस साइड मार्क वाले पॉइंट पे इस जिप को हम देखिए ऐसे रखते हुए इसके ऊपर स्टिच करके साइड से अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए इसके ऊपर ऐसे रखते हुए इस साइड से स्टिच करके अटैच कर दिया है। और अब जो ये जिप का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। जैसे हमने इस साइड राउंड में स्टिच करके जिप को अटैच किया है, वैसे ही हमने इस साइड भी स्टिच करके देखिए जिप को अटैच कर दिया है। और अब इस साइड भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने जिप वाला पार्ट इसमें अटैच किया था, इस साइड वाला जो पार्ट है, इस स्टिच लाइन को, दोनों स्टिच लाइन को देखिए मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। और ऐसे इस साइड भी, इसे हमने देखिए छोटे पीस को सेट कर दिया है। और अब हम देखिए इसको ऐसे प्रेस करते हुए इस साइड से दोनों साइडों से और इस साइड से दोनों साइडों से हम इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। कुटेड पीस पे हमने दोनों साइडों से सेंटर का मार्क कर लिया है। इनको हम ओपन करेंगे और ये हम कुटेड पीस लेंगे और इस कुटेड पीस को हम देखिए ऐसे टर्न कर लेंगे। जिस साइड हमने देखिए डीडिंग और जिप अटैच की है, उस साइड जो ये सेंटर का मार्क है कुटेड पीस का, उसको हम इस साइड रखेंगे जिस साइड ये वाली जिप हमने अटैच की है। तो ये जो सेंटर का मार्क है और इस सेंटर के मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे और ऐसे इस साइड में, क्योंकि ये जो स्टिच लाइन है और ये जो हमने मार्क किया है, दोनों मार्क वाले पॉइंट को मिलाते हुए इस साइड भी पिनअप कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को हम देखिए ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। और ऐसे जो इसका दूसरा पार्ट है उसको हम इस साइड अटैच कर देंगे, कि ये जो पार्ट है उसको हम इस साइड से सेट करते हुए इसमें अटैच करेंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए दोनों साइडों से दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब हम जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर देंगे। कुटेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और दोनों पार्ट्स देखिए दोनों साइडों से नीटली इसमें देखिए सेट हो गए हैं। और अंदर का पार्ट देखिए फ्रेंड्स काफ़ी नीटली स्टिच हुआ है। इसको हम देखिए जिप से लॉक करेंगे और अब ये हम 60 इंच की बेल्ट लेंगे और एडजस्टर लेंगे। एडजस्टर में हम देखिए बेल्ट को सेट कर लेंगे पहले, और बेल्ट को देखिए थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस साइड ऐसे डबल स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए साइड से अटैच कर दिया है। और अब हम जो इसका दूसरा साइड वाला पार्ट है उसको हम देखिए जो डी रिंग अटैच किया था, डी रिंग में देखिए ऐसे अंदर की साइड में कर देंगे, इसको हम बाहर की साइड में करेंगे। और एडजस्टर में हम बेल्ट को देखिए दूसरी साइड से बाहर की साइड में ऐसे सेट कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से बेल्ट देखिए सेट हो गई एडजस्टर के साथ में। और अब हम इस साइड आएंगे और जो दूसरा हमने डीरिंग अटैच किया था, इस साइड हम इस बेल्ट को देखिए अंदर की साइड में करते हुए इस साइड भी बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और टर्न करते हुए डबल स्टिच करके इसको हम इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए बेल्ट को इसमें अटैच कर दिया है। और अब हमारा ये मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए इस साइड हमारी एक जिप से बड़ी पॉकेट है और इस साइड भी एक हमारी जिप से पॉकेट है। इसको हम देखिए इस साइड से ओपन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है और बहुत ही परफेक्ट साइज है। ये देखिए अंदर की साइड में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें सेट करते हुए आप रख सकते हैं। इसको हम जिप से लॉक कर देंगे। इस बैग को आप देखिए इन दोनों हैंडल से शोल्डर से कैरी कर सकती हैं और इस बैग से एडजस्ट करते हुए आप इसको क्रॉस करके भी कैरी कर सकती हैं।
और अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें तो इसको आप देखिए ऐसे ओपन करिए और हैंडल को देखिए ऐसे अंदर की साइड में कर लेंगे और इस साइड से ये जो हमने जिप अटैच की थी इसको हम देखिए ऐसे करेंगे और रनर को हम सेट करते हुए लॉक कर देंगे। जिप को हमने देखिए लॉक कर दिया है और पूरा बैग देखिए अंदर की साइड में सेट हो गया है। फ्रेंड्स ये फोल्डेबल बैग बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही परफेक्ट साइज स्टिच हुआ है फ्रेंड्स, और ये मीडियम साइज है। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मीडियम साइज का फोल्डेबल ट्रेवल बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।